इमाम हैं हजरत कारी सुदैस, कुरा हजरात तो उनके ऊपर आशिक होते हैं और अल्लाह ने अब उनको और इज्जत दी। वो दोनों हरम के इमाम बन गए, यानी हरम में मक्का के इमामों के भी सीनियर वही हैं और हरम में मदीना के इमामों के भी सीनियर वही हैं। अल्लाह ने शान दी है, मक्का जाते हैं तो इस मस्जिद में नमाज की इमामत करते हैं, मदीना जाते हैं तो मस्जिद नबी में इमामत करते हैं। एक दफ़ा उनसे किसी ने सवाल पूछा कि हज़रत आपको ये मकाम अल्लाह ने कैसे दिया कि आप इमामुल आइम्मा हैं। तो कारी सुदैस साहब ने ये वाक़या ख़ुद बयान किया, फरमाने लगे कि मैं बचपन में बहुत शरारती था और शरारतें कर कर के मैंने अपने माँ बाप के नाक में दम कर दिया था। मेरी माँ मुझसे बहुत तंग होती थी मगर मेरे लिए दुआएं करती रहती थी। एक दिन घर के अंदर मेहमान आए तो मेरी वालदा ने उनके लिए दाल चावल बनाए। अब दाल पका के अम्मी ने रखी तो मेरे जहन में क्या शैतानियत आई कि मैंने रेत की एक मुट्ठी भरी और सालन के अंदर डाल दी। देखने में तो किसी को पता ना चला, जब मेहमान खाने बैठे तो उनको पता चला कि जी सालन के अंदर रेत मिली हुई है, सालन खाने के काबिल ही नहीं है। तो उस वक्त बड़ा शोर हुआ और मेरी अम्मी को बहुत ही जिल्लत उठानी पड़ी। तो अम्मी ने कहा पता करो ये कैसे रेत अंदर चली गई। तो जब पता किया तो मेरी शरारत सामने आ गई। तो अम्मी को बताया गया कि तेरे बेटे सुदैस ने शरारत की है और उसके अंदर रेत डाल दी। कहने लगे, उस वक्त अम्मी का चेहरा गुस्से से सुर्ख था और वो परेशान थी मेरी जो है ना शरारत की वजह से, और उस गुस्से के आलम में अम्मी ने मुझे कहा कि बेटे तूने मुझे बहुत जलील कर दिया, रुसवा कर दिया मेहमानों के सामने, पता नहीं तुझे कब हिदायत मिलेगी। मैं तो दुआ करती हूँ अल्लाह तुझे हरम का इमाम बना दे। उस गुस्से के आलम में जो माँ ने ये कहा कि मैं तो दुआ करती हूँ अल्लाह तुझे हरम का इमाम बना दे, अल्लाह ने उसको कबूल कर लिया और आज मैं दोनों हरम का इमाम हूँ। तो औलाद की तरबियत के बारे में ये बहुत अहम बात है कि माँ बाप जैसे भी हैं, कलमा गो तो है ना, वो दुआएं करें अल्लाह ताला माँ बाप